नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामश्री हिलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 47 होने वाली है अगले महीने, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका जब हाथ आया था बहुत दिनों से पेंडिंग था, लेकिन कुछ चीज़ें फोटोग्राफ्स रह गई थी। मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता, क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन हाथ मैंने जैसे ही रीड करा मैंने कहा ये कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं। अब देखो, ये मैं वर्ड प्रोजेक्ट क्यों बोला, उसके पीछे बहुत रीज़न है। जब कभी भी कोई भी रेखा जिन ढंग, ये वाला जो ढंग है ना हाथ का, देखो हर जगह एक छोटा सा ट्रायंगल, हर जगह एक रेखा ट्रायंगल के साथ चल रही, ट्रायंगल के साथ चल रही हर जगह। ये देख रहे हो, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल्स के साथ चल रही है ना, ये प्रोजेक्ट्स पे ही काम कर सकता है आदमी, ये उनसे चलती है। तो मैंने कहा सर आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करते हो? हाँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ, छोटे बड़े प्रोजेक्ट मुझे मिलते रहते हैं। देखो कैसे दूर से समझ आ जाती है चीज़ों को। और देखो ये व्यक्ति अपने मुँह से ज़रूर बोलेंगे कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। देखो क्यों, जब ये रेखा तो आपकी माइंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, आदमी तरक्की तो करता है अपनी लाइफ में, ठीक है, माइंड लाइन जब ऊपर जाती है तो इसके नीचे ये बंद नहीं होना चाहिए। अगर ये बंद हो गया, जितनी मर्जी तरक्की कर लो, मुंह से ज़रूर निकलेगा कि लाइफ ना जिस धर्रे पर है ना उससे बाहर निकलना चाहता हूँ, उससे बाहर निकलना चाहता हूँ, ज़रूर बोलेगा। ये एरिया गलत होता है, नीचे से कोई रेखा निकलकर इसे बंद नहीं करनी चाहिए, अगर कर दी तो ये गलत है। ये यहाँ तक चली जाए कुछ नहीं होता, ये यहाँ तक जाए, इस माइंड लाइन को नहीं यहाँ से रेखा बंद करनी चाहिए, और यहाँ से भी बंद हो और यहाँ से भी बंद, फिर तो आप सोच लो आपके मुंह से ज़रूर निकलेगा। पहली बात, ठीक है, चीज़ें को देखें समझें। देखो ऐसा है, ध्यान से समझना, हर जगह ट्रायंगल, हर जगह ट्रायंगल, हर जगह ट्रायंगल से ही लाइफ यहाँ पर बनी हुई है। देखो सबसे पहले इस रेखा को पकड़ो, ये यहाँ पर, पहले हम यहाँ पर रुकेंगे उसके बाद हम यहाँ रुकेंगे, ठीक है। अब इनकी कैटेगरी को हमने डिफाइन करके क्लोजअप में लेते हैं और देखते हैं। देखो मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ करके आपको समझा रहा हूँ। ये रेखा यहाँ मर्जिंग पॉइंट पे 22 साल की है, ये एक ट्रायंगल बना दिया 21 साल का। ये रेखा टेढ़ी जाती है तो पढ़ाई करता है आदमी, अरे हाँ सर, ये रेखा जाती है तो पढ़ाई करता है, एग्ज़ाम देता है, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा या कुछ करेगा तब भी, कोई किसी ने अपनी पढ़ाई करनी है, कोर्स करना है, सबको कहता हूँ लिखो ये वाले फार्मूले लिखो। ये रेखाएं जब ऊपर से चलती हैं तो कोई चीज़ कंप्लीट करवाते, करते हैं नहीं करते हैं। अब ये 21 से शुरू हुआ, देखो 21 से शुरू हुआ, और ये रेखा काली क्यों बनी है 22 साल से, बीच में ये प्रॉब्लम क्यों है, 22 से 24 में प्रॉब्लम रहेगी इनको, घर से परेशानी इनको रहेगी रहेगी, समझ रहे हैं। अब देखो ये रेखा ट्रायंगल बना रही है, क्यों बना रही है ट्रायंगल, क्यों बना रही है, इसे इसे क्या राइट है ट्रायंगल बनाने का। एक ट्रायंगल बनाओगे तो एक चीज़ को ख़त्म और दूसरी शुरू करना चाहते हैं। अब जब दूसरी शुरू करना चाहते हैं तो एक साल ये रहा, उसके बाद ये रेखा ने एक ट्रायंगल फिर बना दिया 25 से 26 में, फिर बना दिया, और इसी टाइम पीरियड पर कोई डिस्टर्बेंस भी थी, 25 पे डिस्टर्बेंस थी, मुद्दा समझ आ जाता है। फिर एक रेखा ये पूरी की पूरी यहाँ जा रही है, एक ट्रायंगल बन गया, ख़त्म हो गया, ये रेखा ने यूं रेखा करा, ये 28वां साल, ये रेखा निकल के गई 29वां साल, 29 में ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अब मुद्दा ये आता है कि ये रेखा ने इस रेखा को काटा क्यों, काली रेखा से एक ट्रायंगल क्यों बना, यहाँ सेटबैक मिलेगा, यहां पर परेशानी आएगी जिंदगी में। देखो याद रखो, ये जो छोटी 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 ये रेखाएं जो बनी है ना,
यह सेटिस्फाइड नहीं रहता बंदा, उसे टेंशनें रहेंगी रहेंगी। अगर आपकी लाइफ में ये बना है, बीच का एरिया बिल्कुल साफ होना चाहिए। आप, अरे सर, अरे अरे सर, अरे सर, ये तो लाइफ टाइम चल रहा है, समझ रहे हो? तो ये तो साथ ही चलेगी इनको, इनको प्रॉब्लम्स साथ चलेगी। ये जो टाइम पीरियड है ये कंप्लीट करवा दिया, देख रहे हो ट्रैंगल ट्रैंगल, इन्हें इसे समझ जाए। मैंने कहा यार ये तो प्रोजेक्ट पे काम करेंगे आगे जाकर, ये वही है। समझो, यहां से एक ट्रैंगल बना दिया, ये 30 साल, इस पर एक ट्रैंगल बन गया 31, ये पर्सनल लाइफ भी है, यहां से इनकी अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। कैसे, ये कैसे पता लग रहा है सारा? और सुनो, देखो ध्यान देना चीजों पे, अब समझ समझना, ये क्या बना हुआ है, ये क्या बने हुए, बने हुए हैं। ये जब भी बनेंगे ना, व्यक्ति दो चीजें होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और ऐसे लोग जिनके प्रोजेक्ट होते हैं, जो प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उन्हें बड़ा प्रोजेक्ट छोटा प्रोजेक्ट, ये बड़ा बना है तो बड़ा प्रोजेक्ट, छोटा है तो छोटा प्रोजेक्ट। मैंने 33 साल से लेकर इनका 35 साल तक ये एक कंसर्न देखा, यहां से लेकर यहां तक। मैंने कहा नो, आप जगह भी चेंज करोगे और ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी। हाँ सर, मुझे सो एंड सो कंपनी में वो मिल गया था, एंड देन फिर मैंने जगह भी चेंज कर दी थी। ये कैसे पता लगता है? ये इनसे पता लगता है। समझ आ रही है? अब देखो, आप लोग इसकी कैलकुलेशन करोगे कैसे? कोई भी, मैं कह रहा हूं बड़े से बड़ा पाम रीडर देख लो, जब वो कहता है ये यहां आ रही है तो इसका मतलब वो यहां होंगे। गलत गलत। देखो हम कहां पर थे, हम इस वाली रेखा पर 31 साल थे, इस वाली रेखा पर, ये ट्रेंगल पर 31 थे। मैं क्या करूंगा, मैं रेखा को कैसे चला रहा हूं वो समझो। मैंने यहां पर गया, अब मैं यूं रेखा को 31 करूंगा ना, 32 और 33 पर ये वाला कट रहा है, ये 33 पर आएगा ना, ऐसे करके ये बीच में गैप है, 33 आएगा ना। ओहो, यानी अब ये ऐसे 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 यहां पहुंचेंगे, ये मर्जिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे, ये मर्जिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे। ये मर्जिंग पॉइंट जो है ये है 38वां साल। मैं यहां कहूंगा क्यों, क्योंकि यहां आकर ये एक मर्जिंग पॉइंट पर डॉट बना हुआ है। मैंने कहा यहीं कुछ गड़बड़ हो रही थी, आप जहां काम कर रहे थे ये मर्जिंग पॉइंट पर गड़बड़। लेकिन देखो भगवान ने यहां पर डॉट नहीं बनाया, एक ट्रायंगल बना दिया। देखो किसी के डॉट बन जाता है यहां पर, ये तीनों मार्जिन ऐसे 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 आ जाए, डिजास्टर डिजास्टर कहलाता, लेकिन यहां ट्रायंगल बना दिया। अब ट्रायंगल बनाया तो यहां पर तरक्की की रेखा बना दी। देखो क्या मतलब है इसका, समझाओ क्या मतलब। यानी आप देखो, मैं इनके हाथ में क्या देख रहा था, मैं हमेशा ये चीजें देख रहा हूं। मैंने कहा यार ये होता है भगवान जो है ना, हाथ इनके ऊपर है, समझ रहे हो, भगवान हाथ पर है। अब देखो मैं हर फोटोग्राफ मंगवा रहा हूं, मुझे इस वाली रेखा पर सफेद सफेद यहां पे यव का निशान दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? और पिक्चर में देखें, ये देखो आ गया,
ये निशान जब भी आएगा चिन्ह फ्रस्ट्रेशन देता है, तरक्की का साइन है, फ्रस्ट्रेशन देगा देगा डेफिनेटली देगा। 39 से लेकर 40 साल तक मैंने लिखा हताश होना कि ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, इन्होंने उस जगह से छोड़ दिया था, ठीक है, लेकिन तरक्की की रेखा बनी हुई थी। ये क्या करवाएगी, ये ट्रायंगल देखो क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, फिर रिलैक्सेशन मिल जाती, फिर रिलैक्सेशन मिल जाती है। ये कब तक मिलेगी, ये देखो फिर ट्रायंगल बन गया 43 साल तक, ये यहां से लेकर यहां तक जा रहा है 43 साल तक। इन रेखाओं को पढ़ना, ये राहु के प्रभाव है और उसमें ट्रायंगल बचा रहा है, और जिसकी जिंदगी में ये ट्रायंगल नहीं है ना, वो रोएगा। सर मैं स्ट्रगल का पैमाना मेरा जो है वो शुरू से अब तक चलता आ रहा है, कब रिलैक्सेशन मिलेगा? सर रिलैक्सेशन वाला वर्ड जो है आपकी लाइफ में नहीं है, हाँ इसी में से खाते रहो। वो मैं हमेशा एक कहानी सुनाता हूँ, एक छोटी सी माई है, बुढ़िया होती है, वो चक्की से गेहूँ पीस रही होती है, ऊपर पानी का एक घड़ा रखा होता है, बिल्ली आती है, पानी घड़ा फूट जाता है, सारा जो गेहूँ था वो आटा था जो है वो गीला हो जाता है, लेकिन वो क्या कर रही होती है, बीच बीच में जो कील के पास गेहूँ होते हैं उठाती है, अपने मुँह में डाल लेती है, कहती है वाह, बड़ी खुश हुई, कहती है जो मेरे मुंह में चला गया वही मेरी लाइफ है। तो यहां पर इनकी लाइफ में रिलैक्सेशन वर्ड नहीं है, ये राहु के प्रभाव पर है लाइफ, 90-95% राहु तंग कर रहा है। फैमिली से डिस्टर्बेंस मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, चाहे वो माँ हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, गर्लफ्रेंड हो, ससुराल पक्ष हो, मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। तो यहां पर देखो ये तरक्की का साइन है, भगवान ने कैसे जिंदगी बना रखी है, ये किसी का खत्म कर दो, ये ट्रायंगल्स खत्म कर दो तो क्या होगा जिंदगी में, उसे दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं हो, इस ये जहां पर है कोई माई का लाल उसकी जिंदगी से रोटी नहीं खींच सकता, साफ कहता हूं मैं तो, ये है। तो इन्हीं को देखकर मैंने कहा नहीं, ये तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ये प्रोजेक्ट के लिए आता है। बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, उनके हाथों में आता है, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करेंगे उनसे आएगा। इंजीनियर्स होते हैं जो अपना काम करते हैं, उनके हाथों में आते हैं। अब देखो ये जो टाइम पीरियड था, इसके नीचे एक ट्रायंगल आया हुआ है। तो मैंने क्या करा, इनकी लाइफ में 43-41 पर फिर अपॉर्चुनिटी, एंड 43 तक चल रहे, लेकिन 44 पर देखो ध्यान देना, ऑफ शूट खत्म हो रहा है। ये एक लाइन है 43 की, ये 43 की एक ट्रायंगल बना था, ये है 44 पर इस रेखा की तरफ जा रहा है, 44 यहाँ ये डिस्टर्बेंस चल रही है, 44 से लेके 45.5 तक डिस्टर्ब्ड रहेंगे, टेंशन रहेगी, सब कुछ रहेगी इनकी लाइफ में। ये जो टाइम पीरियड सफ़ेद आ गया, ये 46 है, ये रेखा यहाँ से घूमकर, ये देखो यहाँ से घूमकर गोल बन रही है, ये 47 है, 47 तक मेहनत ज़्यादा 46-47 पर। सर मैंने जहाँ पर जो है दोबारा छोड़ दी थी उस जगह पर, अब वो लोग मुझे बुला रहे हैं, तो क्या मैं ज्वाइन करूँ? कौन कहते हैं नहीं करो, 48 डन है सर, करो। अब देखो 48 पर ये रेखा ने ज्वाइन तो करवा दिया आपको,
लेकिन ये रेखा नीचे से आ रही है ना, हेल्थ इशू हो सकती है ना, इसलिए हेल्थ इशू का डिफाइन कर दिया। अंडरस्टैंड? अब देखो फिर एक ट्रायंगल आ जाएगा, ये देखो ध्यान से देखना, ये एक ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये एक ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल दिख रहे हैं। आपने क्या करना है, इस रेखा को पकड़ लो, ये है आपका कब तक वो वाली जगह पर काम करोगे, 47 से लेकर आपका 52 तक काम करोगे, इज इट राइट? 50 साल पे थोड़ा सा ध्यान देना, 50 पर बस, ठीक है, क्योंकि ये रेखा 50 की है, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। 52 तक करना है आपने वहां पर काम, ये 47 से 52 तक का सफर है। 53-54 दिक्कत, हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। देखो मैं क्यों कह रहा हूं, पिक्चर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही ना, देखो मैं जूम करूंगा, लेकिन दो डॉट और एक रेखा नीचे की तरफ जा रही है, जा रही है, ऊपर ट्रायंगल बना है, ऊपर ट्रायंगल बना है, यानी ये वाले जो इनका जो कंसर्न अप वाला है, जहां ये काम कर रहे हैं, एक्सटेंडेड टाइम पीरियड ऑफ 54, जो मैं 52 कह रहा हूं, ये बढ़ सकता है 54 तक, लेकिन 53-54 पर हेल्थ प्रॉब्लम, थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी, इज इट राइट? इस प्रोग्रेस लाइन पर एक दिक्कत है, 55 साल प्रोग्रेस, एक ट्रायंगल बन गया, 56 ठीक है, लेकिन 56 पर यहां से कोई प्रोजेक्ट भी मिलेगा, लेकिन हेल्थ इश्यूज भी आएगी, आएगी, ठीक है। अब यहां पर कुछ दिक्कत है, देखो ये रेखा मैंने लेफ्ट पे भी पकड़ी थी, राइट में भी पकड़ी थी, पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ये देखो ये रेखा गई, ये ट्रायंगल तो बना रखा था, ये रेखा यहां पर गई है, हेल्थ इश्यूज भी बोलूंगा नहीं बोलूंगा, 56, समझ रहे हैं, ये यहां बोलूंगा, ये डिस्टर्बेंस चल रही है, ये डिस्टर्बेंस है किस चीज की, ये इनके परिवार से है, अभी दिखाऊंगा, डेफिनेटली दिखाऊंगा। 59 साल तक चलेगी ये, 58 पे टेक केयर है, और उसके बाद आपको एक बेनिफिट मिलेगा, देखो एक स्क्वायर तो बन रहे हैं, ये स्क्वायर तो बना था, काला स्क्वायर बना हुआ है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, पुश्तैनी से रिलेटेड है, कोई साझे में प्रॉपर्टी होगी आपकी मदर फादर के नाम पर, और फिर भाइयों और बहनों और आपके लाइफ में ये चीज़ें ये टाइम पीरियड पे मिलना है, उसका रिजल्ट 59 पर, 60-61 पर, ये देखो यहाँ ट्रायंगल तो बना, ये ट्रायंगल तो बना है, ये रेखाएं तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस दे रही है, काली पड़ रही हैं, मैंने कह दिया सचेत रहिएगा, 60-61 साल मुझे सही नहीं लग रहा है। अब मैं फिर दोबारा आपको एक क्लोजअप में दिखाता हूँ एक साइन, ये देखो ओ, यहां पर एक साइन है जो इंडिकेट कर रहा है फिर जगह चेंज करने का, ये देखो इसी पर आ चुका है भाग्य, ये लाइफ लाइन पर ही आ चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 63 पर आप जगह चेंज करोगे, क्योंकि उसके बाद जो है ये साइन बना हुआ है, ये साइन और स्क्वायर जब बनता है तो आदमी अपनी लाइफ में कोई चीज खरीदता है, एक जगह पर गए वहां से आपने कोई चीज खरीद, 64-65। अब देखो ये थोड़ी सी चीजें चेंज भी हो सकती हैं, पिक्चर की क्लैरिटी नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि कोई जगह चेंज है और कोई इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद रियल लाइफ लाइन टूटी हुई है 64-65 पर, ये इसी जगह पर लाइफ लाइन टूटी हुई दिख रही है, ये देखो दिख रही है, तो सेहत का ध्यान रखना, 65 से लेकर 65 साल 10 महीने तक अपनी सेहत का ध्यान रखना। अच्छा अब मेन मुद्दे को समझो, मेन मुद्दा ये आ रहा है कि इसके बाद से आपकी लाइफ लाइन और ये खराब चल रही है, यहां मैं नहीं कह सकता सेहत के बारे में, क्योंकि इतनी डिस्टर्बेंस में मैं उम्र नहीं बता सकता कि कितनी रहेगी, लेकिन फिर भी वो आप अपनी सेहत का ध्यान रखना। मैं आगे बता रहा हूं आपको कि 71-72 साल
यहां टेक केयर रखना है कुछ देखो ये साइन बच्चों के हैं, ये बच्चों के साइन है, ये रेखा आगे तक चल रही है, लेकिन यहां तो सेहत खराब है ना भाई। आपको अपनी सेहत का, आपको आपके आपके घर वालों को सेहत का तो ध्यान रखना है। आपका थोड़ा सा लास्ट के टाइम पीरियड पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा दिख रही है। राहु का उपाय करो बीमारी के लिए भी, डिस्टर्बेंस के लिए भी इनका उपाय आपने करना है। केतु का उपाय करो, केतु डेफिनेटली आपको मानसिक परेशानियाँ दे रहा है, वो भी शुक्र के कारण और चंद्र के कारण, माँ के कारण और रिश्तेदारों के कारण। और इसीलिए मैं आपको अभी थोड़ा सा एक 56 से 59 साल तक का भी प्रोसेस मैं अभी बताऊंगा, वहाँ पर आपके घर वालों की प्रॉब्लम आएगी, घर वालों से आएगी, प्रॉपर्टी के कारण आएगी। तो हो सके तो माता जी का ध्यान रखना, और जब तक वो लाइफ में हैं उससे पहले पहले पुश्तैनी प्रॉपर्टी को सब लोगों के बीच में बराबर बांट दीजिए, बंटवा लीजिए, ठीक है। अच्छा ये जो है, ये जो ऐसे करके एक क्रॉस लगा हुआ है और यहाँ पर ये स्क्वायर बने, ये तो ठीक है, बट लेकिन फिर भी मैंने 71-72 पर कहा है कि बच्चों की तरफ से कोई ना कोई परेशानी जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा हताश होना कि वो बच्चे क्या होगा क्या नहीं होगा, उनका फ्यूचर कैसा चलेगा, ये शायद आ सकती है ये प्रॉब्लम। मैं कन्फर्म्ड नहीं हूँ क्योंकि मैं यहीं इतना कन्फ्यूज़ हो गया कि भाई इतने में क्या क्या कहूँ, सेहत का टेंशन यहाँ हर चीज़ की है। तो प्लीज़ यहाँ पर अपनी सेहत जरूर ध्यान रखना, मैं तो कहता हूँ। वैसे तो अगर ध्यान रखनी है ना, आपने 53 साल से ही रखना शुरू कर दो, 53 साल से ही रखना शुरू, ठीक है। देखो इस जगह पर पूरे ही डॉटेड बने हुए, तो ये तो है ये 56 से 59 साल तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से समझना, देखो अब आपको तो ये पता लग गया ना, ये वाला साल कौन सा होता है, 24 साल, एक रेखा यहाँ पर ख़त्म, इनकी ग्रेजुएशन यहाँ ख़त्म, 25 में डिस्टर्बेंस, उसके बाद एक ट्रेंगल, ट्रेंगल आगे पढ़ेंगे, समझते रहना। यहाँ पर ये सारी जो रेखाएं हैं डिस्टर्ब पे चल रही, डिस्टर्ब पे चल रही, 27 साल 28 साल ये डिस्टर्बेंस पे चल रही, चल रही है। अब देखो ध्यान से समझना, ये एक रेखा को समझ लो, यहाँ ट्रेंगल बनाया 30 साल, ये है 32 साल, ये है 32 साल, यहाँ से इनकी जो लाइफ जो है वो शुरू हो रखी है, ये तरक्की की रेखाएं हैं, ये काली रेखा बनी है, ये क्या है 33वां साल, 33, ये क्या है रेखा यहाँ से ऐसे गई और 34, ये 33 34 35 पर वहाँ पर ऐसे साइन बने थे, जगह चेंज, ये उसके साइन है। लॉजिक देखो, मैं आपको वही चीजें समझा रहा हूं जो आपकी लाइफ में यहां पर हो रही थी, आ रही है समझ। अब देखो ये वाला समय है 37 साल, ये है हमारा 38 साल, ये है 39, यहां इन्होंने अपना वो चीज छोड़ी, लेकिन यहां पर एक तरक्की की रेखा ऐसे तो बनी है, लेकिन बीच में राहु का प्रभाव चल रहा है, चल रहा है हताश होना, वहाँ पे जो लिखा हुआ था, अरे हाँ सर हाँ लिखा हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये तरक्की का साइन है क्या, इनको वो वाली चीज़ें इसी के साथ जुड़कर आ रही है, एक पेड़ है इसी के साथ जुड़कर आई है, वो चीज़ दोबारा ऑफर मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा वही हाथ है, नहीं पढ़ना आ रहा हमें, हमें समझ नहीं आ रहा कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, और हम सोच रहे हैं कि लिखा क्या है इनके हाथ में। आ रही है समझ, सर आ गई हमें समझ आ गई, आगे देखते हैं। देखो लॉजिक समझो, इस रेखा का मतलब समझते हो कि इन्हें वही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इस रेखा ने इस रेखा का मतलब समझते हो, ये वाला टाइम पीरियड कौन सा है, ये इनका टाइम पीरियड है 45 साल की, ये रेखा है ये वाली 45 साल की रेखा है, यह समझना। डिस्टर्बेंस 46 साल, ये रेखा नीचे की तरफ गई,
अब इस रेखा ने कहा, नहीं नहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक स्क्वायर बना दिया है, आप बेफिक्र रहो, स्क्वायर बना दिया है, ऑफर मिल जाएगा आपको, वज्र कवच का काम करेगा। सर इसके बाद फिर एक ट्रायंगल होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, खोजें एक रेखा पर जरूर होगा, देखो ध्यान से समझो। अब इस वाली रेखा के पास आप ध्यान से समझना, क्या आपको ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा क्या आपको? यहां पर कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा हेल्थ का? दिखाई दे रहा है? तो वही मैंने वहां पर बोला था, आ रही है समझ? हाथ वही है, लेफ्ट पकड़ो राइट पकड़ो, चीजें वही निकलेंगी। एक लॉजिक समझा देता हूं, चलो देखो, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कोई चीजों को एक साल का डिफरेंस आए ना कभी भी, यहां पर इनका लेफ्ट हैंड 52 साल पर दिक्कत दे रहा है और वहां पर 51 साल पर दे रहा है, तो 51 और 52 का मतलब समझ लो क्या है कि कोई लाइफ में, राइट हैंड कहता है विवेक शक्ति को, एक खाना चावल दाल सब कुछ पड़ी है, मिलेगी वही थाली, चेंज नहीं होगी जिंदगी में, जो भगवान से लिखा के लाए हो वही मिलेगी लेफ्ट हैंड वाली। राइट हैंड बस कहता है कि अगर पॉजिटिव रहोगे तो एक साल पहले, नेगेटिव रहोगे एक साल पहले परेशानी आ जाएगी 4 महीने से 11 महीने, या वो पॉजिटिव रह जाओगे, बस यही एक कारण था जो समझाना चाह रहा था। तो मेरा कहने का मतलब है ये काली रेखाएं, इसके बाद ये रेखा जो चल रही है ये डिस्टर्बेंस की चल रही है, यहां ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बस वही एक 51 और 52 का जो मैंने आपको कंसर्न फोन पर समझाया था, याद रख लीजिएगा वही सारी चीजें। तो इन सारी जिग जैक में से चीजों को निकाल कर बताना, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक कला है। देखो मैं इतना कहता हूं कि गलती हो सकती है, इतने में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, क्योंकि मैं जूम करता हूं तो चीजें फट जाती हैं, मुझे दूर से देखना पड़ रहा है, पिक्चर की क्वालिटी का इतनी इंप्रूवमेंट थोड़ी सी नहीं आ पा रही, पर लेकिन फिर भी हमें समझ तो आ गई कि यस इनकी लाइफ में क्या चलेगा, क्या चलेगा। मैं फीडबैक दे देता हूं एक बारी, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है? फीडबैक ये है, अभी आपकी उम्र 47 साल की है, आप दूसरी जगह ज्वाइन करना चाहते हो कर लो, मैंने लिखा है 52 साल वैसे लिखा है, लेकिन वो रेखा 54 साल तक खींच के जा रही है, जिसमें 47वें साल पर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी, 50वें साल पर ध्यान देना है, 52वें साल पर 51 साल 52 साल, वो कह रहा है कि 51 पर दिक्कत आएगी राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड कहता है 52 पर दिक्कत आएगी, तो आप पॉजिटिव रहिएगा, ये हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। 55 साल पे काम में दिक्कत आएगी, 56वां साल ठीक जाएगा लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है? तो इन चीजों का हेल्थ प्रॉब्लम तो 53-54 पर भी है, 58 साल पर टेक केयर, एक्चुअल में 56 से 59 साल आपके घर की पश्चैनी चीजों पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए 58 साल पर कुछ टेक केयर वर्ड मैंने लिखा है, 59वें साल पर उसका लाभ मिलेगा, 60-61 साल पर वैसे ठीक है, बच्चों के लिए ठीक है लेकिन हेल्थ इश्यूज आएगा, और 63 साल पर आप दूसरी जगह पर जाओगे जो मैं कह रहा हूं, और इन्वेस्टमेंट है 64-65 पर लेकिन लाइफलाइन टूटी हुई है, 65 से 65 साल 10 महीने हेल्थ इश्यूज रहेंगे, और उसके बाद जो है आपकी लाइफ में 71-72 साल थोड़ा सा बच्चों से रिलेटेड चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी लाइफ का निचोड़, ठीक है? एक राहु का उपाय कीजिए और एक केतु का उपाय कीजिए, ठीक है? देखो या तो केतु का जो साइन होते हैं ना वो प्रॉपर बने, केतु का साइन ये भी होता है, केतु का साइन ये भी होता है, मैं एक ना वीडियो लेके आ रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी वर्सेस पामिस्ट्री, जो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ना कि केतु फर्स्ट हाउस में है तो उसका क्या मतलब है, अब वो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, वो कहाँ कहाँ ये साइन बनते हैं, वो हर हर माउंट पर अगर ये साइन बनता रहेगा ना तो वो आपका उस कुंडली में वो हाउस में होगा, वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है।
ऐसे राहु का बनाया हुआ है। राहु का साइन ये होता है, राहु का साइन राहु पे आ जाए फिर भी ठीक है, और दूसरी जगह पर आए फिर तो आपको पता है क्या है, ठीक है। तो यानी ये मैंने वीडियो बना दिए हैं, सीरीज बना दी है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, शेड्यूल टाइम ज़्यादा रखा है मैंने उसको, ठीक है, वेट करना पड़ेगा। सीरीज है, पूरी है, बहुत बड़ी सीरीज बनाई है, बहुत बड़ी सीरीज बनाई, मेरे ख्याल से होंगे 60-70 वीडियो होंगे या उससे ऊपर होंगे, ठीक है, बहुत बड़ी सीरीज है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शुरू कीजिएगा, धन्यवाद। और अपनी फैमिली से बनेगी नहीं ये तो निश्चित है, ठीक है, उपाय करने पड़ेंगे, धन्यवाद।